इनसे मिलिए, ये सबसे हैंडसम यंग। तो गाइज ये मेरे भैया भाभी हैं और अभी इनके बीच कंपटीशन हो रहा है कि कौन बेहतर डोसा बना सकता है, तो देखते हैं कौन बेहतरीन बनाएगा। व्लॉग बनाने में ज्यादा ध्यान है और भैया भाभी की यहाँ लड़ाई होते हुए, और ये सब होने के बावजूद भी एक हमारी ताई जी है जिनको किसी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। ये देखो भाई ने हीरो बनने के चक्कर में दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका, जीते रहो, स्वागत है आप। चले नीचे, कपड़े पैक भी करने हैं अपने अभी। हाँ कर लूंगा अभी, दूसरे का कोई भरोसा नहीं, पूरी पैकिंग वैकिंग सब अच्छे से अभी कर लूंगा। मेरे को तो उन कपड़ों को देख के उदास लग रहा। दागड़ त्यार म्यार। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो कल ये जा रहे हैं, आज इनका लास्ट दिन है घर पे, तो आज हमारे घर पे बन रहा है, आज ये बनाएंगे डोसा। डोसा में क्या बना रहे हो? खीर बना रही हूँ अपने बेटे के लिए। इनको बहुत पसंद है खीर, इनका मन करे तो पूरा पतीला खा जाए। आलू उबाल में डाल दिए हैं, मैं लगा रही हूँ झाड़ू, फटाफट लगाते हैं। क्या लगता है कैसा बनेगा? अच्छा बनेगा, तो आगे बनाएंगे। एक में बनाऊंगी लास्ट में, पर पहले वाला बनाऊंगी मैं, लास्ट वाला मोटा रहता है। अब मैं पूरा हिला रहा हूं ना, हिला के डाल। नहीं मैं अभी बनाऊंगी। ठीक है, तुम पहले तो नहीं बना लो। हाँ एक दो बनाने तो गोल गोल खिलाना भी बनाना। कल तो चले जाते हो, अब आगे चले जाएंगे तो क्या आएंगे भी तो सही कभी ना कभी दोबारा। पहले खीर बन गई, तो पहले हम भगवान को चढ़ाएंगे। इनसे मिलिए, ये है उप्रेती खानदान के सबसे हैंडसम यंग मैन का टेस्ट। बड़ा के टेस्ट करवा दी, फाइव प्लेट टेस्ट करवा दी, सलाम लगाओ दिल्ली के टेस्ट करूँ। करम है। तो गाइज ये मेरे भैया भाभी हैं और अभी इनके बीच कंपटीशन हो रहा है कि कौन बेहतर डोसा बना सकता है, तो देखते हैं कौन बेहतरीन बनाएगा। और वो हमारी ताई जी फोन में गई है। ये देखो जी, ये देखो भाई, देखो बिल्कुल यहाँ भी बिल्कुल बेकार बनाया गया है। भाभी का भी, भाभी का एकदम परफेक्ट है। भाभी का छोड़ो, ये भी टेस्ट में देखना। गाइज मेरा पहला व्लॉग अपने हाथ से बना रहा हूँ, तो बेकार बनेगा तो कोई गाली मत करना। स्टफिंग देखिए कितनी बेहतरीन है। थका देगी तो मम्मी, थका के यहाँ पे होता है लास्ट मेरा ही था भाई, लास्ट मैं तो भाभी का अच्छा लग रहा है भाई। भाई वो सफेद हो गया पूरा, देखना वो तो जैसे तवा रोटी बनाते वैसे तो बना दिए वो। उसको बनाना आता भी है जीत में लगी हो। अब नहीं खत्म, इसको पतला ना 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 खाना भी है, हम लोगों ने टाइम पास उसमें मैं नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खाना भी है मम्मी ने भी खाना, फिर टाइम पास लगे लेंगे आदमी को रोज तभी इसको बोलते हैं। मेरे भाई ने भी बहुत बेहतरीन बनाया है, पर लग तो अच्छा नहीं रहा है भाई। ये भाई अभी जो मुड़ के आएगा ना टेस्ट में देखना, तो खाएगी तो खादी में लगाना उसको। गाइस मैं कुछ काम नहीं कर रहा, मैं फ्री का खा रहा हूँ बस। व्लॉग बनाने में ज्यादा ध्यान है और भैया भाभी की यहाँ लड़ाई होते हुए, और ये सब होने के बावजूद भी एक हमारी ताई जी है जिनको किसी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। ये देखो बना, इसको कहते हैं डोसा। भाई ने हीरो बनने के चक्कर में दिया। अब बोलो, अब बोलो, अब बोलो। अरे चिपक गया भाई, इसने साथ छोड़ दिया किस्मत ने ये। अरे यार अच्छा हुआ। तो गाइस ये भुर्जी बनते हुए डोसे की भुर्जी मम्मी को दिया। सुबह से नया बनाया
बड़ी प्लेट लेके मैं ही जाऊँ ना वाली वाला कहेंगे इस, अभी यूट्यूब पे देखा बोलूँगा वाला बर्बाद मत करो। तो अभी बज गए हैं सुबह के 11:30, नाश्ता हो चुका है। किचन के हाल देखो बाप रे, और नाश्ते के इतने बर्तन हो गए आज, ये बस नाश्ते के बर्तन हैं। आज के कंपटीशन में मैं जीती, ठीक है मैं जीती ना। उसके बाद देखा तूने कितने गोल बना रहा था वो तेरे वाले फायर पैन पे। अब नेक्स्ट टाइम मैं बना लूंगी, खा खा के अब थक गए हैं ये। अब तुम बना लोगी, कल से बनाते रहना, कल तो चले जाओगे। कोई बात नहीं, जब जाएंगे तभी तो आएंगे दोबारा। पर इस बार मुझे बहुत गंदा लग रहा है आप जा रहे हो। मैं नहीं कर रहा, और टाइम में बहुत ये बोलते मुझे क्या बोलते पत्थर दिल होती है। हाँ मैं बहुत पत्थर दिल हूँ, क्योंकि मैं मतलब बहुत कंट्रोल करती हूँ अपने इमोशंस को। मैं कंट्रोल करती हूँ इमोशंस को, हो सकता है कंट्रोल करती हो। मैं ऐसे नहीं हूँ जहाँ तहाँ रो जाऊँ, मतलब ऐसे नहीं हूँ मैं, छोटे छोटे सिचुएशन में रोने वाला मुझे नहीं हूँ। तो अभी टाइम आ गया है देवर जी को विदा करने का, वो जा रहे हैं चंपावत घर को। वो आया था कैच धाम के लिए दर्शन करने, कल उसने दर्शन कर लिए तो आज वो जा रहा है घर पे, क्योंकि इसकी जॉब लग गई है। सब उसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देना। हेलो, बाहर गाड़ी आ गई है। हेलो हाँ भैया, भैया बगल में ही प्लॉट में तो खड़ी है, कह रहा हूँ मैं बस एक मिनट में आ रहा हूँ, तो बोला आपसे मैंने। हाँ ठीक है, फिर हाँ। इतना प्यार दोनों भतीजे और ताई में जीते रहो, इतना प्यार यार। मिठाई का डब्बा लेके आएगा जब जॉब लग जाएगी तो। हाँ बिल्कुल ताई, गुड। कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है आपका भतीजा जा रहा है, कस लग रहा है? अच्छा लग रहा है, नौकरी में जाएगा। पसीन गरम हो रहा है बहुत ज्यादा। गोल्डा इज गोइंग, सब ले गया, चार्जर आर्जर ब्रश ब्रश हाँ सब ले गया, सब ले गया। टॉवल वॉवल ले गया ना सब? चलो भाई चल चल, मैं आ रहा हूँ। चलो भाई तो आइए, जा रहा है हमारा गोलू भाई। भाई सर भाई भाई, डोंट माइंड इफ आई, नो आई डोंट माइंड एनी टाइम। चलो गोलूदा चले गए, इनकी यात्रा मंगलमय हो, आराम से पहुंच जाए घर। तो गाइस अभी बज रहे हैं 2:15, सुबह से मैंने आज कुछ भी नहीं खाया। आज मैंने सुबह आधा डोसा खाया, उसके बाद मुझसे खाया ही नहीं गया। तो अभी हम खाते हैं, अब तो ये बहुत वो हो गया होगा, गर्म करते हैं खाते हैं। और इनको देखना नीचे लेट गए, इनको इतनी गर्मी होती है, इतनी गर्मी होती है गेंडे की तरह। ये लो सास माँ, अभी नीचे लेट रखी आज क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। ये तो ऐसे नंगे फर्श में सो रखे, बहुत धूप हो रही ना, बारिश हो रही, ओह बादल लग गए। कल से कहाँ मिलेगी ये खिचड़ी, अब ये पतीला। दिखा दे, लग जाएगा सबका, नहीं लगेगा दाल यार, अंबे नहीं लगते बोलो तो जल्द मत कर, चीज ऐसे पसीना हो रहा है। हाँ वो हम वो यहाँ आ रहे हैं क्योंकि हम कुछ क्रिएट करने वाले हैं। क्रिएट, इट्स क्रिएट, यू वांट टू क्रिएट समथिंग, वी आर क्रिएटर। ओके तो हमारे घर पे आने वाली है सानवी। हाय ये आपका नमस्कार, स्वागत है आपका, जीते रहो, स्वागत है आपका, जीते रहो जीते रहो। इस बेचारे को बुखार आया था, बड़ी मुश्किल से रिकवर हुई है धीरे धीरे। अरे गर्मी हो रही है, आज तो ऐसे फर्स्ट पे सोए थे। हेलो गाइस, ये है मेरी भाभी और आज हम बनाने वाले हैं रील, इसीलिए इतनी तैयारी धाम का प्रसाद। ओ माय गॉड, शुक्र
साइड पे रख दो, खुद अपने हाथ से निकाल देते हैं। A few moments later. तो शाम के बज गए हैं अभी 7, चलते हैं छत में, नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही, थोड़ी बहुत ठंडी हवाएं लेते हैं। सासू माँ आ जाइए, आज आप कॉलोनी में नहीं गए घूमने? नहीं गए, बारिश होने वाली। ओ बारिश हो गई क्या? चली गई शाम भी ना। चले नीचे, कपड़े पैक भी करने हैं आपने अभी? हाँ कर लूँगा अभी, सुबह का कोई भरोसा नहीं, पूरी पैकिंग वैकिंग सब अच्छे से अभी कर लूँगा। मेरे को तो उन कपड़ों को देख के उदास लग रहा। दागड़ त्यार म्यार जस जू और बाती सुवा कभे बुझन न जू लो सुवा। एक गाना मेरे लिए गाओ। मेरी किस्मत थे हर एक, नहीं मतलब ऐसे कोई जो मुझे डेडिकेट हो वो वही वाला सबसे रिलीज बने गए। अच्छा ठीक है, आप बताओ क्या करना है। गाओ कौन सा गाना? कोई भी गाना जो मैं आपके लिए डेडिकेट करना चाहता हूँ ना, तो वही गाना जो पप्पू गार्गी जी ने गाया था, ठीक है, स्वर्गीय पप्पू गार्गी जी। ये मेरे हाथ में छाला पड़ गया, ऐसे मेहनत के छाले हैं। हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। इस गाने की स्टार्टिंग की लाइन क्या थी? कौन सी? मैं गा रहा था अभी। फूलों में भौरों में होली तेरी मेरी बात है जून तू होली मेरी मैं जूनियाली रात दगड़ त्यार म्यार जस दियू और बाती सुआ कबे बुझन न दियू लो सुआ। एक मम्मी के लिए मम्मी भी याद आती, देख कैसे मेरे को बोली मम्मी कहाँ याद आती है, क्यों नहीं याद आती मम्मी के लिए? मम्मी के लिए यार तूने फंसा दिया मेरे को। कौन सा वाला गाना होगा मम्मी के लिए? पहाड़ी सॉन्ग ना, कोई भी हो। इंस्टाग्राम पर माजी मैं फूल तेरी आँखों को आज जानी हो। मेरे में कॉपीराइट हो जाएगा मैं गाते। कभी तेन खाड़ू निखाई मेरा बाना आज चली लागी गले मां बटूली किले। तो रात के बज गए हैं 9:30, अब हो रही है यहाँ पैकिंग। जा रहे हो फिर? जब जाएंगे तभी तो आएंगे। बात तो सही है, आज जाएंगे तब कल आएंगे। सबसे पहले अपना चार्जर टूटर ब्रश व्रश सब रख देना। ये तो आप भूल ही गए थे। अब इसमें जब भी चाय पियोगे अपनी बीवी को याद करना, ठीक है? याद करना, ऐसा याद करना तो याद नहीं बताया। तो ऑलमोस्ट सारी पैकिंग हो चुकी है, डन। ये फास्ट चार्जर भी सही है तो हो गई डन। लैपटॉप ले जाओ, स्वाति खा देगी।
हाँ यार उसका भी गलत है। अब मेरा सेविंग किट कहाँ है? सेविंग किट अगर मेरा दिया हुआ कोई भी गिफ्ट, अगर मेरी दी कोई भी चीज गुम करी तो देख लेना, तो देख लेना। हो गया हो गया, अभी क्यों काट रहे? चेक कर रहा हूँ, सिर्फ लग रहा ही लग रहा। अभी मत काटो, नहीं काट रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ। दूसरा ले जाओ, वहाँ पे है दूसरा, नहीं लग रहा था। प्लीज तो चले गाइस, अब करते हैं हम इस ब्लॉग को एंड। उनकी पैकिंग हो गई है, बी स्ट्रॉन्ग, हमको स्ट्रॉन्ग बनना है, ठीक है? जैसे एक फौजी स्ट्रॉन्ग रहता है वैसे हमको भी क्या, यस एग्जैक्टली। तो चले गाइस, अब आपको मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय। मैं और सासू मां रह गए घर पे, अब कुछ दिन बाद स्वाति भी आ जाएगी, तब ठीक हो जाएगा। अब कल से पता नहीं हमारे दिन कैसे गुजरेंगे। दो चार दिन तो बहुत बेकार लगता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये रहते हैं ना तो हर कमरे में हर आदमी को एंटरटेन करने जाते हैं, हर आदमी का हाल चाल पूछने जाते हैं, और छुट्टियाँ पता नहीं कब ख़त्म हो जाती है, पता ही नहीं चलता है ना। कोई नहीं, जब जाएंगे तभी तो आएंगे, सही बोलते। बाय गाइस।